नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में किसी नेता को आधिकारिक तौर पर तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया, मगर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से कहा ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नाम का समर्थन किया। इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेताओं की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनौती दे पाएंगे। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं और पिछले 55 सालों से भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। साधारण परिवार से आने वाले खड़गे मूल रूप से कर्नाटक के हैं। 1969 में गुलबर्गा शहर में कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। कर्नाटक में लंबे समय तक विधायक रहे और 2 बार सांसद भी चुने गए। पिछले 7-8 साल से दिल्ली की राजनीति में ही सक्रिय हैं। लंबे राजनीतिक सफर में सिर्फ एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली। 2021 से खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। भारतीय लोकतंत्र के अभी तक के इतिहास में कोई दलित नेता प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में विश्लेषक मान रहे हैं कि खड़गे का नाम आगे करके विपक्ष ने दलित कार्ड खेला है। भारत में आबादी का जातिगत आंकड़ा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अनुमानों के मुताबिक भारत में करीब 25% दलित है। खड़गे का नाम आगे करने की वजह को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं। मौजूदा राजनीति में मोदी एनडीए की तरफ से एक ओबीसी चेहरा हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार एक ओबीसी चेहरा हो सकते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन को समझ में आया है कि नीतीश कुमार के लिए ओबीसी चेहरे के रूप में मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए अब एक नया दलित कार्ड खेला गया है, क्योंकि अभी तक भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। खड़गे को चेहरा घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनावों को रोचक बना सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके इंडिया गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव को रोचक और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत में दलित आरक्षण वाली 84 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 46 सीटें हैं। बीजेपी को इन सीटों पर 40% वोट मिला, वहीं कांग्रेस के पास इन 84 सीटों में से महज 5 सीटें हैं। यूपी में दलितों के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं, इनमें से बीजेपी के पास 15, बीएसपी के पास 2, जबकि कांग्रेस के पास 1 भी सीट नहीं है। इंडिया गठबंधन में कई बड़े नेता हैं जो खुद में छत्रप हैं और अपने आप को गठबंधन के अगुवा के रूप में देख रहे हैं। ऐसे नेताओं के बीच किसी ऐसे नेता का नाम आगे करना जो सबके लिए स्वीकार हो, गठबंधन के लिए एक चुनौती हो सकता था। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन के भीतर कई नेता गांधी परिवार या राहुल गांधी के साथ इतने सहज नहीं हो सकते जितने वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो सकते हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी को आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में पेश कर रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने कभी खुद ऐसा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर सभी दलों को मानना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होता। करीब 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है। हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाई और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया। मध्य प्रदेश में तो नारा तक दिया गया एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। यही नहीं, बिना किसी विरोध के बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में 3 नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया। मौजूदा भारतीय राजनीति में पीएम मोदी के व्यक्तित्व को बड़ी आबादी पसंद करती है। कुछ ने विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। ऐसे में क्या खड़गे मोदी को चुनौती दे पाएंगे? नरेंद्र मोदी ने अपने आप को भारत में करीब और चाय बनाने वाले के रूप में पेश किया था और इसी से राष्ट्रीय स्तर पर अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पीएम मोदी की जो लार्जर देन लाइफ यानी विराट छवि है, उसके पीछे मीडिया और मार्केटिंग भी है। जानकार कहते हैं मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी इमेज बनाने पर बहुत खर्च किया है। दुनिया में शायद ही कोई नेता होगा जिसने अपनी ऐसी छवि गढ़ी हो। मीडिया ने मोदी को स्थापित किया है। अगर इस नज़रिए से देखें तो कोई भी नेता मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत लोकतंत्र है। भारत में नेता
जनता के बीच से निकल कर आते हैं। जिस तरह से मोदी इसी देश में जनता के बीच से निकल कर आए हैं, वैसे ही खड़गे हैं। देश उन्हें भी पसंद कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि भारत की बड़ी आबादी आज नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में खड़गे के लिए उन्हें चुनौती देना इतना भी आसान नहीं होगा। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।